أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على التقوى مخافة من الله ورجاء رزوان منه خير أمن أسس بنيانه على شفا طرف جرف بزم الراي وسكونها جانب هار مشرف على السقوط فانهار به سقط مع بانيه في نار جهنم خير تمثيل للبناية لا زد التقوى بما يؤول اليه والاستفام للتقرير اي الاول خير وهو مثال مسجد القبا والثاني مثال مسجد الزرار والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا रिबता शक्क़न फ़ी इल्ला अन कुलूबह अनतअ तनफल क्लूबह बेमू तो फ़ी सुही बिहिम आया वो शख़्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद ख़ुदा के डरने पर और खुदा की खुशनुदी पर रखी या वो शख़्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर रखी हो जो गिरने ही वाली हो जो गिरने ही वाली हो मुशरफिन अस्कुत गिरने के करीब हो फिर वो इमारत उसको लेकर आतिशे जहन्नम में गिर पड़े उसके बानी के साथ वो बेहतर है मकसूद इससे तमसील है उस इमारत की जिसकी बुनियाद तकवा के जिद पर हो मा यालह के अतबार से अंजाम के अतबार से और इस्तेफाम तकरीर के लिए है यानी अव्वल बेहतर है जो कि मस्जिद क़बा की मिसाल है और सानी मस्जिद ज़रार की मिसाल है और अल्लाह तबारक ताला ज़ालिम लोगों को समझ नहीं देता हमेशा उनकी ये इमारत जो उन्होंने बनाई है उनके दिलों में खटकती रहेगी मगर ये कि उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं, बही तौर के वो मर जाएं। अल्लाह तबा अपने मखलूक को जानता है और उनके साथ मामला करने में हिकमत वाला है अफ़मन अफामन मन, मन इसमें मौसू है फैले माजी शेगा वाहिद मुज़क़्कर गायब है यूअसो तासीस बब तफ़ी से बुनियाद रखना बुनियान के माने इमारत तकवा अल्लाह का डर रिजवान अल्लाह की खुशनुदी रिजवान और अल्लाह का मजरूर होना मिन हड़फे जर की वजह से है जार मजरूर से मिल कर के तकवा से मुतल है खैरुन ये खबर है मन अस बनियान हूँ मुबतदा है खैर ख़बर है और अमन अस बुनियान हूँ मैं भी बुनियान अससा का मफूल बही है अससा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बही से मिल कर के मन इसमें मौसूल का चिला है। सिला है मौसू शिला से मिल कर के मुबतदा अला शफा शफा के माने किनारा ये अस से मतलक़ है जोरोफिन शफा का मजाफिल है इसलिए वो मजरूर है हारिन की असल है हाविरुन लाम कलमा को एन कलमा पर मुक़दम कर दिया गया फिर वो हार हो गया वाओ को गिरा दिया गया हारिन हो गया काजिन की तरह फनहार बिही, बिही में जमीर, जरूफ़ की तरफ राजे है या मन की तरफ राजे है फी नार जहन्नम। ये जाज मजूर से मिल के मुतल है फनहारा से खैर ये ख़बर है जो महजूफ़ है आगे लाए बनियान हम लाजाल फिल नाक़िस बुनियान बनऊ यह उसका इसम है और री बतन ये लाएजालोस की खबर है इल्ला ये मुस्तना है मुस्ना मिनों महजूफ़ है ए फ़ीकुल हाल इला वक्त तख़्ती कुलबह माँ कबल में बयान करदा दो तरह की मस्जिद और उनके बानियों का हाल जो माक़बल में बयान किया गया है यहाँ से उसी मजमून को मिसाल से वाज करना मकसूद है मिसाल का हासिल ये है कि मस्जिद कुबा और उसकी तामीर करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात साहब कर राम रिजवानल आजमयी की मिसाल उस शख्स की जैसी है जिसने अपने दीन की बुनियाद एक मजबूत और पुख्ता दीवार पर रखी हो यानी तकवा और रज़ा इलाही पर और मस्जिद ज़रार और उसकी तामीर करने वाले मुनाफीन की मिसाल उस शख्स की जैसी है जिसने बहुत कमज़ोर दीवार पर अपनी इमारत की बुनियाद रखी हो जो बहुत ही नापायदार हो यानी बातिल और नफाक पर बुनियाद रखी हो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे दरिया के किनारे पर बाज़ अवक़ात पानी ज़मीन के हिस्से को अंदर से खा लेता है और ऊपर ज़मीन की सतह हमवार नज़र आती है ज़ाहिर है उस पर अगर कोई इमारत तामीर करे तो जाहिर है कि वो फ़ौर ही गिर जाएगी इस तरह उस मस्जिद ज़रार की बुनियाद नापायदार थी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो गिर पड़ी और बानी के साथ जहन्नम की आग में चली गई जहन्नम की आग में जाना माने मजाजी के लिए भी हो सकता है मतलब ये है कि उस मस्जिद ने अपने बानी के लिए जहन्नम का रास्ता हमवार कर दिया बाज़ हजरात ने उसको हकीकत पर भी महमूल किया है कि हकीकता जब मस्जिद गिराई गई तो जहन्नम में गई आगे फरमाया गया वल्लह दिल कौम म कि अल्लाह तबारक ताला जालिम लोगों को समझ नहीं देता है क्योंकि बनाई तो मस्जिद के नाम पर इमारत जो कि शार दीन में से है लेकिन मस्जिद के मकसद के ख़िलाफ़ कैसी कैसी फासिद गर्ज़ें उसमें मुकर कर ली बनाई थी मस्जिद के नाम से और उसका उस काम लिया फासिद अगराज के लिए तो इसलिए ये उनके समझ से बाहर की बात थी ला ज़ाल बनियान हम अल्लाह ने फ़रमाया ला अजाल हम. हासिल इसका ये है कि जिस गरज़ से मस्जिद बनाई वो पूरी न हुई पोल अलग खुल गई फिर उसको ज़मीन बोस कर दी गई गरज़ कोई अरमान निकला इसलिए सारी उम्र इसका अफ़सोस और अरमान बाकी रहेगा मगर ये कि उनके दिल ही टुकड़े हो जाएं, जिसमें अरमान क्योंकि अरमान दिल में ही होता है तब जब दिल टुकड़े हो जाएंगे तो उस वक्त अरमान ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर दिल के टुकड़े होने से मुराद उनका मर जाना है क्योंकि जब किसी का दिल टुकड़ा हो जाता है तो वो ज़िंदा नहीं रहता है बल्कि मर जाता है इसी को मुफसर अल्लाम ने फ़रमाया बेअ्यमू तो व्बल बे के हकीमफ़ी सुने ही अल्लाह तबारा अपने मखलूक हहवाल को ख़ूब जानता है और उनके साथ जो भी मामला करता है वो हमत से ख़ाली नहीं होता आगे फ़रमाया गया इन हशतरा मिनीना अनफुसम व अमाल इबारत देखिए إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون جملة اشتناف بيان للشراء وفي قراءة بتقديم المبني للمفعول أي فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي وعدنا عليه حقا مصدران منصوبان بفالهم الموصوف بفعلهم الْمَهْزُوفِ في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله أي لا أحد أوفى منه فاستبشروا فيه التفات عن الغيبة بِبَيْعِكُمُ الذي باياتم به وذلك البيع هو الفوز العظيم नई लो गायलमत लो इला हश्तरा तर्जमा बेशक अल्लाह ताला ने तोमिन के जान माल को उसके एवज खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है जान माल को ख़रीदने का मतलब बेई अब जलूा पीता आती ही बही तौर के जान व माल को वो ख़र्च करें अल्लाह की तात में मसलन जहाद में बे इसके एवज के उनके लिए जन्नत है युका नफ़ी सबीला वो लोग अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं फिर कत्ल करते हैं और कभी कत्ल भी किए जाते हैं जुमले इस्तीनाफ़ है यानी नया जुमला है शरा को बयान करने के लिए जो इन न्ला में ज़िक्र फरमाया गया है एक किरात में फेले मजहूल की तकदीम के साथ है जिसका हासिल है फ़ै युक्तलो बाज़ुम वातलबा कि बाज क़त्ल किए जाते हैं और बाकी कताल करते हैं वादल वादन कि अल्लाह तबारक ताला का सच्चा वादा है उस पर तौरेत में और इंजील में ये वादन अल हन वदन और ये दोनों मसदर हैं जो फ महजूफ़ की वजह से मंसूब हैं वित तौरात वल इंजील वल कुरान तौरत में भी और इंजील में भी और कुरान में भी वमन अफ़ा बेहद और अल्लाह तबारक ताला से ज़्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला कौन हो सकता है यानी कोई भी अल्लाह तबारक ताला से ज़्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला नहीं है फस्त तब से हो खुश हो जाओ इसमें गईबत से अल्तफात है अपने उस बे पर के जिसका मामला तुमने किया है और वो बड़ी कामयाबी है यानी हद दर्जा मतलूब को पाने का जरिया है इलातरा हरूफ़ मुशबा बिल्फेल है और अल्लाह उसका इसम इस तरह मिनमोमिनफ़सम व वा अम वालम ये पूरा जुमला उसकी ख़बर है बेलन् ये इस तरह से मुत्ल है यफ़ी सभी फ़ैक् वलूण ये जुमला मुस्तानफा है कि जिसमें शरा की हकीकत बयान की गई है वादन अलह हक़ कन ये असल में हैं वदल्लाकान अः वद वदन वक्लवाद माना है तहक़ का वन ये वादा मुतहक़ है और सबित शुदा है फिताते वल इंजीले वल कुरान ये वादन से मुतालिक है वमन औफा बेहद ही ये जुमले मोतरजा है आगे मफहम देखिए माँ कबल की आयत में गजब तबूक से बिला उज़र पीछे रह जाने वालों की मजम्मत का बयान था और उनके खैर अजीम से महरूमी का बयान था अगली आयत में मुजाहिदीन की फजीलत और उनकी बड़ी कामयाबी का बयान है वाज रहे कि पूरी सूरत मदनी होने के बावजूद इन आयत को मक्की कहा गया है जो बयात अकबा में शरीक होने वालों के मुतक नाजिल हुई है अकबा दरअसल पहाड़ के हिस्से को कहते हैं यहाँ वो अकबा मुराद है जो मीना में जमर अकबा के साथ पहाड़ का हिस्सा है इस अकबा पर मदीना तैयबा के हजरात से तीन बार बैत ली गई पहली बार आपकी बेसत के ग्यारहवें साल में जिसमें में छः हजरात मुसलमान होकर बैत करके मदीना वापस आए जिनके जरिए से मदीना के घर घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का चर्चा होने लगा दूसरी बार आपकी बेसत के बारहवीं साल मौसम हज में बारह हजरात उसी जगह जमा हुए जिनमें से पांच पहले वाले थे और सात नए थे सब ने बैत की अब मदीना में मुसलमानों की खासी तादाद हो गई जो चालीस से ज़्यादा थी जिनकी तालीम कुरान के लिए आपने हज़रत मुन रजल्ला को मदीना भेज दिया उन्होंने तालीम कुरान के साथ इस्लाम की तबलीग भी की जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तीसरी बार जो बैत हुई है आपकी बेसत के तेरहवीं साल तेरहवें साल में सत्तर मर्द और दो औरतें उसी जगह जमा हुए ये तीसरी बैत अकबा है जो आखिरी बैत है और बैत अकबा से यही बैत मुराद होती है ये बैत चंद चीज़ों से मुतल हुई थी नंबर एक इस्लाम के असूली अकायद आमाल को मजबूती से पकड़ना है नंबर दो कुफार के मुकाबले में बवक्त जिहाद डटे रहना है नंबर तीन जब आप हिजरत करके मदीना पहुँचें तो आपकी हिमायत करना और अपनी जान की तरह हिफाज, आ, आपकी हिफाजत करना हज़रत अब्दुल्ल बिन रवा रज़ील तुनों ने हज़ूर पाक सल्ला व्लम से अर्ज़ किया या रसूल्ला अभी माह का वक्त है आप जो भी शरात रब के मुतक या अपने मुतिक करना चाहें वो वाज कर दें आपने फरमाया कि अल्लाह के लिए तो ये शर्त रखता हूँ कि आप सब लोग उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें और अपने लिए ये शर्त रखता हूँ कि अपनी जान औलाद की तरह मेरी हिफाजत करें उन हजरात ने अर्ज किया अगर हम इन दोनों शर्तों को पूरी कर दें तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा आपने फरमाया कि जन्नत सब लोगों ने खुश होकर अर्ज किया कि हम इस सौदे पर ऐसे राज़ी हैं कि कभी फसक किए जाने को पसंद न करेंगे चूंकि इस बैत में ज़ाहिर सूरत एक लेन देन की बन गई थी तो तो उस पर ये आयत बलफज बेषरा नाजिल हुई यानी इन अश्तरामिन चूँकि उन हजरात ने एक फ़ानी चीज़ यानी माल देकर बाकी रहने वाली चीज़ यानी जन्नत लेने के लिए तैयार हो गए यानी फ़ानी दिया और बाकी लिया उसकी ज़ाहरी सूरत लेन-देन और बयाोशरा की बन गई इसलिए अल्लाह ने इश्तरा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है आगे फरमाया गया बेान लहम्ल्जन्नः यहाँ बिल जन्न न फरमाया गया बेान लहम्जन्न फरमाया गया इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि जन्नत उनके वास्ते मुख्त है और उन्हीं को मिलने वाली है युकलो नफ़ी सभी इस आयत से मालूम हुआ कि जिहाद का हुक्म पिछली उम्मतों के लिए भी सब आसमानी किताबों में नाजिल किया गया है आगे फरमाया गया मिन ये जुमला जुमला मोतरजा है जो मा कबल में किए गए वादे को साबित करने के लिए लाया गया है जिसका हासिल यह है कि अल्लाह तमाम अहद करने वालों से ज्यादा अहद करने वाला है क्योंकि शरीफ लोगों से वादा खिलाफी मुमकिन होने के बावजूद नापसंदीदा है तो अल्लाह तबात की जानब से वादा खिलाफी कैसे हो सकती है इसीलिए के जो चीज़ मखलूक के शाये नशान नहीं वो अल्लाह के शाय न किस तरह होगी इसीलिए फरमाया गया वमन अवफ़ा बेहद ही मिनल्ला आगे फरमाया गया फस्ट तब शूब युमलबा या तुम भी वजाल फौजुल अज़ीम इस जुमले में मुसलमानों को मुखातब करके फरमाया गया है कि ये मामला ये मामला बै तुम्हारे लिए नफ़ा का सौदा है और मुबारक है क्योंकि इस मामले में फ़ानी और अदना चीज़ को देना और बाकी और आला चीज़ को लेना पाया जा रहा है जिसमें तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है आगे बना रफ़ उनमद बददीर मुबतद मिनशिर के वनफाक العابدون المخلصون العبادة لله الحامدون له على <تضحكي> كل حال السائحون السائمون الراكعون الساجدون المصلون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافزون لهدود الله لحدود الله لاحكامه بالامل بها وبشر المؤمنين بالجنة ترجمة अतएना अम तयूना वो लोग तोबा करने वाले हैं अतएूना का मरफू होना मदह की बिना पर है मुबतदा की तकदीर के साथ असल इबारत हम तयबूना तयबों मिना शिर के वन वनफाक को नफाक से तोबा करने वाले अलाबूँ इबादत गुजार यानी अल्लाह ताला की इबादत करने में मुखलिस हैं अमिदून लहू अल्लाह तबा की हर हाल में तारीफ़ करने वाले हैं असाहून यानी रोज़ा रखने वाले हैं रुकू करने वाले सजदा करने वाले हैं यानी नमाज़ पढ़ने वाले हैं अम्र बिल्माफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले हैं और अल्लाह तबा अहकाम की पूरी हिफाज़त करने वाले हैं अमल के ज़रिए और ऐसे मोमिन को जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए चूँकि उन हज़रा ने जो बैआत अकबा में शरीक थे अपनी जान माल देकर जन्नत हासिल कर लिया इसलिए आगे उन्हीं मोमिन के सिफात बयान किए जा रहे हैं अगरचे इस आयत का नज़ुल शुराए बैत अकबर के लिए हुआ लेकिन आयत का मफहम तमाम मुजाहिदीन फ़ी सभी को शामिल है ये भी वाज रहे कि यहाँ जो सफ़ात बयान किए जा रहे हैं ये हसूल जन्नत के लिए शर्त के तौर पर नहीं हैं क्योंकि उनके वास्ते जन्नत का इसका तो जहाद फ़ी सभी पर मुरतब है यहाँ इन अवसाफ़ को बयान करने का मकसद ये बताना है कि जो लोग जन्नत के अहल होते हैं उनमें ऐसे अवसाफ़ हुआ करते हैं खसूस शुरत अकबा का यही हाल है बहरहाल अत से मोमिन के नौ अवसाफ़ बयान किए गए हैं जिनमें से पहले छः का ताल्लुक खालि हकूक़ल्ला से है और दो का ताल्लुक ताल्लुक़ूकबाद से है और आखिर वाली सिफत सब को आम है आगे फरमाया गया असा ये सियाहत से मुश्तक है इस्लाम से कबल दीन नसरानियत में सिया, सियाहत इबादत समझी जाती थी कि आदमी अपने घर बार छोड़ कर इबादत के लिए निकल खड़ा हो इस्लाम में उसको रहबानियत करार दिया गया और उससे मना किया गया है उसके कायम मकाम रोज़ा को करार दिया गया है क्योंकि सियाहत का मकसद तरक दुनिया है जो फिल रोज़ा में भी पाया जाता है इसलिए असाय हुना की तफसीर मुना से की गई है चुनान आपने फरमाया उम्मती असोम बास हजरात ने जिहाद को सयाहत कहा है बाज ने साय हुना का मतलब और मिज़दाक इल्म को करार दिया है जो अपने घर बार छोड़कर तलब इल्म के लिए निकलते हैं आखिरी आयत में फ़रमाया गया वबशरीमिन के मशकूर और औसाफ़ से मुतसब मोमिन को ऐसी नमतों की खुशखबरी सुना दीजिए जिनको उनका वहम व ख्याल भी ना पा सकता हो और न किसी इबारत से उसको समझाया जा सकता हो न कान उन्हें सुना हो मुराद उससे जन्नत की नमतें हैं वामदिल्ला